ठाक है अभी ये कैप पहन के और बैठा हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और बाहर हो रही है बारिश, काफी अंधेरा हो रखा है बाहर। मतलब यहाँ पे पूछिए नहीं, बारिश इतनी ज्यादा हो रही है ना कि मतलब 5-6 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है। कब रुकेगी कुछ भी अता पता नहीं है। और जस्ट मेरा थोड़ी देर पहले एक पार्सल आया था, तो मैंने इनके लिए कुछ मंगाया है, बाद में दिखाऊंगी आपको, हॉल वीडियो में दिखाऊंगी। वैसे मैंने ओपन करके देखा, ठीक ठाक लगा, बट जब तक ये नहीं देख लेते, ट्राई नहीं कर लेते खुद पे। एक लोअर मैंने मंगाया है, बता ही देती हूँ। तो ये लोअर चलो ठीक है, बट ट्राई करने के बाद मालूम चलेगा कि साइज का क्या है। तो ये जब शाम को आएंगे तब मालूम चलेगा कि साइज इसका ठीक है कि नहीं है। और जस्ट हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद आराम से अभी बैठे हुए हैं, और मैं अभी करूंगी वीडियो की एडिटिंग। एडिटिंग करने के बाद वीडियो लाइव करूंगी। और मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो दोपहर को जाया करते हैं, टाइम बता दूं 12:15 टाइमिंग है, बट कभी एक कभी डेढ़ ऐसे हो जाता है, क्योंकि सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि ब्लॉग टाइम से पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। और क्या हो गया, हाँ स्पर्श अपना होमवर्क कर लिया है अभी फिलहाल। और मैं अभी आज पता नहीं ठंड लग रही है, जा रही हूँ स्वेटर डालने। वैसे मैं जब मैं नहाई ना हूं उसके बाद मैंने दो इनर डाल रखी हूँ, दो इनर डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं कुर्ती पहन लूँ तो उतनी ज्यादा मुझे ठंड फील नहीं होती है। तो दो इनर डाल लो तो आराम से बिना स्वेटर के भी डर जाओ। अगर उलेन कुर्ती या उलेन टॉप डाल लो, तो ये वाला जो टॉप है ना मेरा, ये उलेन टॉप है, काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, 2-3 साल हो गए आई थिंक। लेकिन अब वही होता है ना कि 1-2 महीने ही तो उलेन कपड़े डालते हैं, तो खराब होने के कोई चांसेस ही नहीं है। देखिए एक छाता ये लेके गया है, एक छाता यहाँ पे मैं निकाल के रखी हूँ, तो क्योंकि कभी मुझे पार्सल लेके अभी तो ली थी ना थोड़ी देर पहले, तो भैया बस मैं गेट के पास खड़ी थी, वो आके दे दिए थे। और मेरा कुछ पार्सल ऐसे फंसा हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे ना बारिश हो रही है और फिर कैंसिल हो जा रहा है, छोड़ा है हुआ। अभी बंद कर दूं मैं ये वाला कवर्ड। ये सब्जियां मैं निकाल के रखी हूँ, देखिए ये सब्जी बस बची हुई है, और इसमें से बैंगन निकाल दी हूँ, ये शाम को बनाऊंगी। बाकी सारी सब्जियां, ये गाजर थोड़ा सा बचा हुआ है, तो अभी सारे थोड़ा सा कट करूंगी, खीरा इतना सारा है। और बर्तन को सारे सेट करने हैं अभी मुझे, तो ये का है थोड़ा सा बनाई, और ये इतना सारा भी रखा हुआ है, तो ये फिर कभी बन जाएगा। मुझे ना पता है ब्रोकली का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, आप लोग कैसा लगता है ब्रोकली का टेस्ट बताना। इसका कलर देख के मुझे खाने को मन नहीं करता है, लेकिन जब मैं इसको नहीं खाती थी ना उस टाइम पे मुझे लगता था ये क्या है क्या है, इसका टेस्ट कैसा होता होगा, लेकिन जब मैं खाई तो अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता ये। तो यहाँ पे मैं अभी किचन में जा गई हूँ नमकीन लाने के लिए, और स्पर्श बहुत देर से रोए जा रहा था, 1-1.5 घंटे से रो रहा था। और आप लोगों को मैं बताती हूँ ना कि वो क्यों रोता है, तो बस मैं भी ना उसको ज़्यादा याद नहीं कराना चाहती हूँ। अब जितना हो गया ऐसा मुझे अब फील हो रहा है, क्योंकि वो याद कर करके बहुत ज़्यादा परेशान होता है, रोता है, रहना चाहता है साथ में, बट उसके साथ ना ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। तो मैं ना उसके लिए अभी नमकीन लेके आ गई, और मैं बोली ना कि आप जो जो बोलोगे वो मैं आपको खिलाऊंगी। यहाँ पे नमकीन लाई और दे दी हूँ मैं उसको खाने के लिए, फिर थोड़ा सा खुश हो गया, लेकिन वो ये थोड़ी देर के लिए खुश होता है, फिर उसके बाद फिर परेशान होकर फिर रोने लगता है। और ठंड भी मुझे अभी लगने लगी थी, तो मैं अपना ना ये ब्लू वाला जो ये ट्रैक सूट था एक्चुअली मेरा, इसके नीचे वाला जो लोअर है ना वो वैसे नए का नया रखा हुआ है, उसको मैंने यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि उसका जो रबड़ था थोड़ा सा टाइट था। और ऊपर वाला मैं इसका जो जैकेट है ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली हूँ, वो बिल्कुल नया ही है। मैं सोच रही हूँ कि उसको निकाल के लोअर की तरह मैं उसको डालूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा ना प्रेस वगैरह करके उसका रबड़ थोड़ा सा लूज़ मेरे को करना पड़ेगा। एंड यहाँ आपको टेबल पे दिख रहा है एक मैंने शैम्पू मंगाया है, ये अभी थोड़ी देर पहले आया था, मेरा ऑर्डर करी थी मैं, डव का शैम्पू है जो मैं यूज़ करती हूँ, कभी कभी यूज़ करती हूँ, अरे वैसे मेरा अपना शैम्पू भी चेंज करती रहती हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी, तो प्याज भून रही हूँ अभी मैं, इसमें लहसुन नहीं डाली हूँ, तो मुझे इसका पेस्ट बनाना है। और पेस्ट आज ना थोड़ा सा इसको भून लूंगी ना, उसके बाद मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। और यहाँ पनीर भी फ्राई हो चुका है, ये होममेड पनीर है, घर पे बनाई थी। और कभी कभी ना घर पे पनीर बनाओ वो कभी कभी खराब हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं पनीर बनाई थी तो वो टूट टूट सा गया था, पहले नहीं टूटा था, जब मैं उसको सब्जी में डाली ना तब टूट गया था, बट ये देखिए कितना अच्छा बना है, और फ्राई भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, कलर भी देख सकते एकदम गोल्डन गोल्डन कलर, रेडिश कलर ऐसा आया है। तो बस प्याज भून लेती हूँ इसमें, बाकी मैं वो डाल दी थी जो बड़ी वाली इलायची होती है वो डाल दी थी, ये दालचीनी है, छोटी इलायची है, जीरा, ये सब कुछ डाल दी थी। मिर्च अभी मैं लास्ट में डालूंगी,
जब इसका पेस्ट बना लूंगी ना उसके बाद मैं मिर्च डालूंगी, क्योंकि फिर तीखा हो जाएगा ग्राइंड करूंगी तो, और स्पर्श की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं मिर्च को बाद में डालूंगी, अगर ग्राइंड करने से तीखा होगा तो वो खाएगा ही नहीं। तो इस टाइम पे मैं हूँ किचन में और सब्जी बनाने के लिए अभी मैं यहाँ पे ना कुछ ग्राइंड कर रही थी, और कढ़ाई में आज मैं आयरन वाली कढ़ाई में सब्जी बनाने वाली हूँ और उसका मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो एक मिर्च जो था ना वो मैंने कट ही नहीं किया था, फिर डर लग रहा था वो फूट ना जाए, फिर मैंने वो उससे जो मेरा सीजर है ना उससे कट कर दिया। उसके बाद देखिए मसाला वगैरह सब कुछ मैंने ग्राइंड कर लिया, ठंडा भी हो गया था बहुत देर बाद का, ये कम से कम आधे घंटे हो गए थे। उसके बाद मैं सारे मसाले इसमें मैं डाल दी हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी डाल दूंगी, क्योंकि ये जो जार है ना उसमें लग ही जाता है थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं सारे मसाले इसी में ऐड कर दे रही हूँ, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और गरम मसाला तो मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने बड़ी इलायची डाल दी, तो ज़्यादा मैं मसाले यूज़ नहीं किया करती हूँ। कभी कभी ऐसे मन हो गया तो यूज कर लो, वैसे रखती तो सारा कुछ हूँ बट यूज़ बहुत कम करती हूँ मैं। तो इस कढ़ाई में ना, आयरन वाली कढ़ाई में जब मैं ये सब्जी बनाई थी तो इसका टेस्ट कुछ अलग ही आया था, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और मैं एक सोच रही हूँ ना कि ऑनलाइन मैं अभी नहीं, लेकिन मेरे मन में है कि मैं एक कढ़ाई मंगाऊँ आयरन की, तो वो कुछ टाइम बाद मेरे को अच्छे से उसको सर्च करना है, जो बढ़िया होगा उसी को मैं मंगाऊँगी। यहाँ सारे मसाले भुन चुके थे, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी, और थोड़ा सा मैंने इसमें मटर भी डाल दिया था, मटर मेरे पास ज़रा सा ही था तो मैंने जितना था ना उतना ही इसमें डाल दिया। और बस ये जब ग्रेवी खोलने लगेगी उसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ अभी पनीर, तो जो पनीर फ्राई करके रखी थी वही पनीर है। तो थोड़ा देर मैं इसको खोलाऊँगी, कम से कम 10 मिनट तक ढक के ना इसको मैं पका दूँगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरी सब्जी रेडी हो जाएगी। मतलब कम से कम मैं तो कुछ और बोली थी लाने के लिए, स्पर्श के लिए पॉपकॉर्न आया है, पॉपकॉर्न नहीं पॉपकॉर्न, और इसका फीवर अभी उतर गया है, ठीक ठाक है अभी, लेकिन ऑयल लगाया है बालों में। हाँ तो ये तो बर्गर मांग रहा था स्पर्श, लेकिन आया है स्पर्श के लिए पॉपकॉर्न, और आया है ये कैलेंडर 2022, ठाकुर प्रसाद 2022 का कैलेंडर। तो अभी तो फिर भी दिन तो गुजर गए हैं, लेकिन चलो अभी तो 8-10 दिन ही गया है, तो अब ये वाला लग जाएगा और पहले वाला हट जाएगा। इस मंथ में कुछ नहीं है, 15-26 जनवरी। स्पर्श पापा को भी खिलाओ पॉपकॉर्न, पापा आ गए हैंड वॉश करके। क्या खाइएगा? पॉकेट में आप ज्यादा मत खाओ, जाओ पापा के पास जाकर बैठ के खाओ, जाओ। होने की खुशी में इंस्टाग्राम पे, ये मेरे लिए छोटा सा क्या, बहुत बड़ा है। पिज्जा खाने का वैसे ही मन हो रहा था, और 5K तो बहुत ही छोटा चीज है, बट चलो कंप्लीट हुआ तो कम से कम पिज्जा खाने तो मिला, और स्पर्श को बर्गर। तो यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर किया था और घर पे अभी आ गया था। वैसे स्पर्श बर्गर बर्गर बोल रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मंगा देंगे। तो अभी मैं किचन से प्लेट लेके आ गई हूँ बर्गर रखने के लिए, और 2 ही बर्गर मंगाए थे ये, और मैं काफ़ी परेशान भी थी, तो बस हस्बैंड ने एक छोटी सी कोशिश करके मेरे चेहरे पे खुशी भी ला दी। इनको भी पता था कि मैं बहुत परेशान हूँ, और साथ में स्पर्श की भी तबीयत ठीक नहीं, तो बस चलो अच्छा लगा कि थोड़ा हम अभी इंजॉय कर लेंगे। और स्पर्श बस बर्गर और पिज्ज़ा की तरफ ही देखे जा रहा था। तो यहाँ पे जो सॉस वगैरह है ना वो मैं भी निकाल रही थी, और बस ऐसा नहीं होता जब भी ऑर्डर करो ना तो 5-10 मिनट में है, बहुत ही जल्दी पहुंच भी जाता है। तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स वगैरह मैं डाल रही थी, आधे पे ही डाल रही थी, क्योंकि स्पर्श ये तो बोल रहे थे कि मैं पिज्ज़ा नहीं खाऊंगा, तो स्पर्श भी नहीं खाता है चिली फ्लेक्स अगर डाल दो तो थोड़ा सा ना मैं डाली। Thank you.
और गाइस इसके बाद ना ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, थोड़ा सा ही मैंने ऐड किया है, एक मिनट भी नहीं है, कुछ सेकंड है। तो यहाँ पे मैं अभी पूजा करने जा रही हूँ। मेरी जो धूप बत्ती वाली जो है ना अगरबत्ती, वो ख़त्म हो गई है, तो ये वाला मेरे पास था तो इसको मैं जला रही हूँ। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, इसके बाद फिर मैं कंटिन्यू नहीं की थी। तो मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर करना फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड मैं कोशिश करूँगी आगे से कि मैं टाइम से अपने ब्लॉग्स अपलोड करूँ। थोड़ा सा बीच में मेरे को इधर उधर टाइमिंग भी हो गई है, एंड काफ़ी दिनों से ऐसा हो गया है मेरे साथ कि मैं ब्लॉग टाइम से एडिट नहीं करती हूँ, मूड नहीं होता है, ऐसा ही चलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करती हूँ। लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगे तो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।